ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨੀਚ ਕੰਟਰੋਵਰ ਸਿਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ जबरीन हम कौन सी मूवी देखने लगे हैं पता नहीं इविल डेड हाँ भाई कौन कट रहा है अर्जिंदर भी अर्जिंदर भी एक बारी हो जाए अर्जिंदर भी कुकर दी मांग रहा है सुना है जरा खत्म बस गुड मॉर्निंग गाइस अब तो मैं उठ चुकी हूँ सुबह हो गई है बाकी सब सोए हुए हैं क्या किया जाए कुड़ी ऊपर एक्सरसाइज कर रही है कुड़ी आशीष आ रहे हैं फिर पहले एक्सरसाइज कर पूड़ियां भी तो खाएंगी चल खले फिर तो ऊपर खले तो जा बस कर कुड़िये चलो दो पूड़ियां एक्सरसाइज हो गई दो पूड़ियां गुड़ी किसके पास हुई थी रात को मैं आपके पास मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मॉर्निंग गाइस तो सुबह हो गई है हेलो गाइस नहीं सेठी ऐसे नहीं आते हेलो स्माइली दीदी हेलो गुड मॉर्निंग परी दीदी यहाँ बना रहे हैं हेलो परी दीदी गुड मॉर्निंग वाह अरे वाह यार धूप और अभी तो इस धूप में निकलेगा मन नहीं कर रहा फिर भी जाएंगे कहीं ना कहीं इसको क्या बनी है अर्शी हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब वेलकम टू टुडेज व्लॉग स्वागत है आपका और आज का मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि मेरे को नेचर पसंद है इसलिए मैं नेचर में हूँ तो मैं ज़्यादा खुश हूँ 9 बजे यार रात को लेट सोए थे एक्चुअली पहले उन्होंने वो मूवी लगा दी हॉरर मूवी लगा दी पहले हमने एक मूवी लगाई फिर दूसरी चेंज की हमने फिर उसके बाद ये लूडो वगैरह खेलने लग गए तो तकरीबन 4 बज गए थे सोते सोते यार आज सोचा था एक नई जगह जाएंगे पर वहाँ बहुत चलना पड़ता तो ये सब बोलते कि धूप में इतना नहीं चला जाएगा और मज़ा नहीं आएगा अब कहीं और देखेंगे और ये बाहर का नज़ारा सुबह सुबह का कड़कती हुई धूप के साथ ये सोई थी मेरे को जब भी पा गई कहाँ भाग रही है इधर ही है ये ऑपरेशन हुआ था जिनका अंकल हेलो सत श्री अकाल हेलो हेलो सारे हेलो करने में मधुमोश है और ये तब भी आए हुए बड़े वाले में किद्दा ਵਧੀਆ ਕੈਮੇ ਆ ਕੈਮੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਆ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਸੀ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟ ਆਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਭੀ ਸਭ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਮ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਭੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ऐसे ही ऑन स्पॉट नेचुरल तभी मैं फ़ोन थोड़ा चार्ज पर रखती हूँ इसको लेके घूम रही हूँ और करती हूँ ब्रेकफास्ट या बिल बुक सो गाइज हमने कर लिया ब्रेकफास्ट इतना मज़ा आया ना इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट था मज़ा आ गया यार अभी प्लान ये बन रहा है कि जो इकनूर और अवनीत है ना जिनकी गाड़ी में अलग से मैं बैठी थी कल वो कज़न्स जाएंगे आज शाम को घर 3-4 बजे निकलेंगे उनको काम है कल
तो हम निकलेंगे कल सुबह। पहले तो प्लान परसों सुबह का था बट भैया कुछ काम आ गया हुआ है जम्मू में, तो कल निकलेंगे। तो अभी गाइस बस यही चल रहा है, होने लगे हैं हम सब तैयार। यही डिसाइड कर रहे हैं कि जीन्स डाले सूट पहने लगे, सब चल रहा है क्या पहने क्या नहीं। मैं सोच रही हूँ यही सूट पहनूँ क्योंकि एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है तो वो सूट में ही अच्छी लगेगी। यार गाइस सुबह से लाइट बंद है और ये बोल रहे हैं आज संडे है तो आज काफ़ी लेट कर देते हैं, हो सकता है 12 बजे आए 1 बज जाए, तो अभी 11:15 ही हुए तो सारे लेट हो रहे हैं। तो मेरे कपड़े अनप्रेस्ड हैं, अनप्रेस्ड ही डाल लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। गाइस देखो मेरा बेबी कितना सुंदर लग रहा है, भी अच्छी लग रही है। कहाँ जा रहे हैं हम घूमने? ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके हैं, अर्शी गुरीत का मेकअप कर रही है। चलो तैयार हो स्माइली दीदी, तैयार हो ना। वाह हेलो गाइस, बहुत प्यारे लग रहे हो आप तो। कमेंट करके जरूर बताना है कैसी लग रही है। यार निकल ही नहीं रहे हैं, कभी कोई तैयार हो रहा है कभी कोई तैयार। पहले तो बोल रहे थे ट्राउजर में चलते हैं, ऐसे किसी ने नहीं तैयार होना, और जो बोल रहा था वही पगड़ी बांधते सबसे पहले आ गया है। और हम सारे वेट ही कर रहे हैं कि गुरीत ने उठा लिया यूकुलेले क्योंकि हमें करना है गाना रिकॉर्ड। और हाय अबू, चलो जनता पार्टी। गाइस ये सीक्रेट है, ये अभी नहीं बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे। धूप है तो मैंने ऐसे कवर किया गाइस, मुझे लगा छाता कौन लेगा, ये ले लेते हैं। स्माइल दीदी सीक्रेट, जो छाता ले आना तो अब इस बैग में क्या है ये बाद में रिवील होगा। पूड़े खा के तो जिम करने जा रहे हैं, इधर से चलते हैं हम फिर आधे। चलो चलो गुरीत ने उठा लिया मेरा यूकुलेले, गाइस आने वाला है मजा आगे। इतनी प्यारी लग रही है, आईज क्लोज कर। वाओ इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। कौन था आपका मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा मेरे को बताओ मेरी शादी में व्लॉग कौन बनाएगा? रिपोर्टर से पहले बुक कर देता है। ठीक है ठीक है। ये आई दूसरी गाड़ी, तो अभी हम सब पहले जा रहे हैं अपने पुराने घर में, बचपन वाले घर में। ऊपर धुंध आ रही है, ये रास्ता तो बंद है। इसी करो बंद, कहां से जाएंगे? शीशे करो थल्ले, उनकी चोरी की गलती। ऑफ रोडिंग करने वाले हम गाइस। वो तेरी यार ये नहीं चलेगी, नहीं निकलेगी, निकल जाएगी निकलेगी। ये रोड है जिसान से हम जा रहे हैं, दिस इज द तेरी थोड़ी है मक्की, मक्की के खेत। पत्थर पीछे कर रहा है ना, थोड़ा पुठे रास्ते तो आया ना। घर का हमारा ये तो थल्ले पूछ गया बिल्कुल। गाइस ये हमारा घर भी आ गया पुराने वाला। पहले हम जब पिछली बारी आए थे हम वहां से चल के आए थे आगे से, है ना, उस पेड़ से ऊपर चढ़े थे स्टेयर्स, बट इस बारी हम शॉर्टकट आए हैं। इसी इस घर में कोई रहता नहीं है ना गाइस, तो इसकी ऐसी हालत होगी हुई है। जपरीन ये तो आस्ते आस्ते आयो, ऊपर ही है। इधर देखो मेरी रील बनाने में लग गई है पहले। हमारा घर, ये ताऊ जी का रूम था, आप ये हमारा रहता था। ओह माय गॉड इधर तो रील बन रही है। हम सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ शूट करें अपनी वीडियो, जैसे फोटो शूट चल रहा है। ये थोड़ा सा है सोने लायक रूम, इसकी तो ऑलमोस्ट बुरी हालत हो चुकी है, बुरी हालत हो गई है। नहीं
गर्मी बहुत है, गप्पे चल रही है। ये हमारा रूम था, मैं मम्मा पापा यहाँ रहती थी, तब अर्शी नहीं थी, अर्शी का बर्थ नहीं हुआ था। अब इसकी हालत भी ख़राब हो गई है, बट मुझे ये जो पापा ने जो स्टीकर है ना नहीं लगाई थी, तो मुझे वही याद आ गया। नहीं आप खाओ, हम पहले सोच रहे थे यहाँ बनाते हैं कुछ, रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ ना उसका कलर ही चला गया हुआ है। पता कि किचन थी हमारी, ये नीचे वॉशरूम। तो यार हर एक बंदा ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ी चीज़ों को फेस करके दूसरी मतलब आगे तक जाता है, तो बट जो पुरानी चीज़ों की यादें वो यही रहती हैं। हम कभी भी आएंगे यहाँ पे मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे इस जगह को। ये सब बोल रहे हैं यहाँ पे भी बना लो, वहाँ पे भी बना लेना, हो सकता है शाम को लेट हो जाए घर जाते जाते, तो फिर वहाँ पे भी नहीं बने, यहाँ पे भी। हमारी वीडियो बनाने की तैयारी कितू नहीं बाहर आएगा। तो गाइस सबसे हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये सारी हमारी हेल्प कर रहे थे बेचारे, सारे लगे हुए थे। हाँ देखो आ गई है। इस कैमरा से कोई नहीं बच सकता वाली के। मारवी दीदी की डिमांड ही इतनी है, फोटोज खींचो फोटोज खींचो। अजर लाया है इसको देखो, किसी ने आईफोन का चार्जर लाया है। करने लगे हैं थोड़ा चेंज होने लगे हैं हम, क्यों आपको बताएंगे। सो गाइज अभी हम आपको दूसरे रूप में दिखने वाले हैं, बाय वन टू। तो गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि हम मस्ती करने वाले बहुत सारे जा रहे हैं नहा ले जाम शिवार की, नहाएंगे हम मदद से ठंडे ठंडे पानी में। चलो पर ये बैग से लाके ऐसा किसी जगह आया ट्रैकिंग कर। चलो स्माली दीदी चलो। मैंने उधारी लिया है क्योंकि मैंने अपनी चुन्नी छोड़ दी, तो मुझे धूप से एलर्जी है। बोला धीरे चलना। अच्छा चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है, ट्रैकिंग क्या करेंगी, आ जाओ। गुरीत कौन सा ड्राइवर ढीला है। गाइस ये वो जगह है जहाँ हमने प्लान किया था जाने का इस बार। हाँ ये जो टॉवर है ना, दो लगे हुए तीन। हाँ बहुत दूर था और काफी लेट भी हो गए थे, रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब था, तो सबने बोला कि इस टाइम नहीं जाना क्योंकि रिसेंटली वहाँ लैंडस्लाइड भी हुआ ना शिवखोड़ी में। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं नाले, वहाँ मजा आने वाला है। तो गाइज इसके बाद का व्लॉग आपको अगले व्लॉग में मिलेगा, अगले दिन में, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग लंबा हो जाएगा, उसका भी कैप्चर करूँगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, रखते हैं, जानते हैं, करते हैं, मज़े से मिलते हैं अगले दिन। टाटा बाय बाय।